हिट एंड रन की पॉलिसी को लेकर कहीं ना कहीं देश भर के जो ड्राइवर्स हैं वो नाराज दिख रहे हैं, और नाराजगी के बाद बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स हैं जिन्होंने काम भी छोड़ दिया है। तो उस बीच में लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। इस वक्त हम जम्मू के इंदिरा चौक में हैं, तो यहाँ पर आप तमाम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि लोगों को काफ़ी मुश्किलात यहाँ पर हो रही हैं, क्योंकि जो ड्राइवर्स हैं वो काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इन लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। सर आपका नाम? मेरा नाम हाकम चंद है जी। सर आपको कहाँ जाना है? ठाठरी जाना है, किश्तवाड़ रोड। किस तरह की प्रॉब्लम्स अभी यहाँ पर? प्रॉब्लम क्या सर, बहुत प्रॉब्लम है, सुबह से खज्जल हैं, दरबेदर हैं यहाँ पर सभी। अब छोटी गाड़ी वाले ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, जहाँ पर 300 रुपये का वहाँ पर 1000 रुपये ले लेंगे, गरीब लोग कैसे जाएंगे, उनके लिए तो दिक्कत है। कितने लोग हैं यहाँ पर आपके साथ? यहाँ पर तो काफ़ी लोग हैं, यहाँ पर कम से कम 2-3 बसों की सवारियाँ हैं खज्जल जो। आपने सुना कि काफ़ी सारा मुश्किलात हो रही है, छोटे छोटे बच्चे भी साथ में हैं। बिल्कुल, ऊपर से सर्दी सर, ये सर्दी में, इस ठंड में, धुंध में कहाँ बैठेंगे लोग यहाँ पर। प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो मनमाना किराया। मेरा कहना कि वो एक तो वो चीज़ है कि मनमानी का किराया, और दूसरी बात ये है कि कम से कम जो लोग फंसे हुए हैं, हाँ हाँ, फोर सीटर का जम्मू से जो फोर सीटर चलती है स्विफ्ट डिजायर, उसका 1000 रुपये किराया, तो वही ले रहे हैं हम। 1000 से ज्यादा बोला? हजार से ज्यादा बोला आपको? देखो ज्यादा नहीं है, ज्यादा जैसे भी है, लेकिन बात ये है इसमें कि जो लोग लिमिट में चल रहे हैं, जिसके पास 1,00,000 रुपये जेब में होगा तो वो 10,000 किराया दे के भी जाएगा, लेकिन जिसके पास 500 रुपये जेब किसी गरीब के पास होगा, हमें तो गरीब का सोचना है ना, पैसे वाला के थोड़े से पैसा सबके पास नहीं होता सर, ये भी तो एक चीज़, ये चीज़ है। उन्होंने बताया कि जो छोटी गाड़ी वो ये किराया ये कह सकते हैं, लेकिन छोटी जो फोर सीटर है यहाँ से 250 किलोमीटर जाती है किश्तवाड़, उसका 1000 रुपये किराया, 4000 रुपये बनता है, 4 ही सवारी बैठती है उसमें। जो 7 सीटर आती है अपनी टवेरा इनोवा, उसका 800 हम लेते हैं किश्तवाड़ का, हाँ, तो वही ले रहे हैं। लेकिन सभी छोटी गाड़ी में नहीं जा सकते, ये एक बात है, सभी छोटी में नहीं जा सकते, क्योंकि बड़ी गाड़ी होगी उसमें जिस हिसाब से उसका 300-400 रुपये, जो 300 रुपये बनता है, 400 रुपये बनता है, उस हिसाब से जो गरीब लोग हैं उसी लिमिट में चलते हैं सर, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो खुला किराया देकर जाएंगे। तमाम तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि लोगों को कितनी ज्यादा मुश्किलात हो रही हैं। आप बेटा कहाँ जा रहे हैं आपको? डोडा। डोडा कब से खड़े हो यहाँ पे? अभी से खड़े हो। गाड़ी नहीं मिलती है? नहीं। तो देखिए प्यारी सी बच्ची है यहाँ पर खड़ी है, यहाँ पर ये तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम जाकिर हुसैन है। कहाँ से हैं? मैं डोडा से हूँ, डोडा डिस्ट्रिक्ट डोडा है मेरा, और तहसील मेरा गुन्ना है। तो ऐसे रूटीन में जब आप डोडा जाते रहे, यहाँ पर इजी आपको बस मिल जाती है? जी बिल्कुल। आज किस तरह की दिक्कत हो रही है? आज दिक्कत हो रही है कि जाम, ये यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं है हमें अवेलेबल, आज ये जो है चक्का जाम है, कल भी, आज भी है, आज भी हड़ताल है, तो इसमें हमें बहुत दिक्कत आ रही है, तो सुबह से खजल है सारी सवारी। तो देखिए स्ट्राइक की वजह से काफ़ी सारा मुश्किलात भी आ रही है यहाँ पर। देखिए आप तमाम लोग, सर आपका नाम? रंजीत सिंह। रंजीत जी कहाँ जा रहे हैं आप? मैं भदोरा जा रहा था। किस तरह की दिक्कत आपको आ रही है? अभी आया दिल्ली एयरपोर्ट से, तो इधर कोई भी बस नहीं है, स्ट्राइक है, तो मेरे पास छुट्टी भी कम होती है, तो टाइम जा रहा है, इस वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी आ रही है। ये तस्वीरें दिखाने का मकसद यही था कि हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोगों को कितनी ज्यादा मुश्किल आता है। इंदिरा चौक में है, और यहाँ पर तमाम लोग डोडा, किश्तवाड़ और तमाम अपने घरों की तरफ रुख करने चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर बसेस की स्ट्राइक, यानी कि बसेस जो है वो नहीं चल रही है, जिसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें लोगों को हो रही है। आप तो लोग जानते हैं कि पूरे देश भर की बात की जाए तो हिट एंड रन की पॉलिसी को लेकर तमाम जो ड्राइवर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये कानून जो उन पर थोपा जा रहा है वो सरासर गलत है, उसके विरोध में देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन ये जम्मू की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इंदिरा चौक से। मैंने आपको बताया कि ये तस्वीरें आप इंदिरा चौक जम्मू की देख रहे हैं। ड्राइवर खासा नाराज हैं इस पॉलिसी को लेकर, इस कानून को लेकर, जिसके लिए वो देश भर में विरोध कर रहे हैं। हालांकि इंतजामिया से इस बारे में बात होगी, ऐसा कहा जा रहा है कि हाई लेवल की मीटिंग केंद्र से की जाएगी, उसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है वो देखने की बात है। लेकिन इस वक्त पैनिक का माहौल है, जो तमाम ड्राइवर्स हैं उनका ये कहना है कि ये जो कानून है उन पर थोपा जा रहा है। पहले जिम्मेवारी
जो बस के मालिक की होती थी, लेकिन अब सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो भी उस बस या गाड़ी को चला रहा होगा तो उसे ही ये जुर्माना दिया जाएगा। जैसा कि सूत्रों के माने तो ये कहा जा रहा है कि 7 लाख तक जुर्माना होगा और 10 साल की जेल भी हो सकती है अगर कोई किसी को एक्सीडेंट कर भाग जाते हैं। बहुत बार हम तस्वीरों में देखते हैं कि ड्राइवर्स के द्वारा एक्सीडेंट किया जाता है, उसके बाद मौके से ही वो फरार हो जाते हैं। तो इस पर एक बड़ा कानून बनने की बात की जा रही है कि अगर वो ऐसा करता है तो 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा भी हो सकती है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन पैनिक ज़्यादा है लोग, ड्राइवरों का ये साफ तौर पर कहना है कि इस तरह का जो कानून उन पर थोपा जा रहा है वो सरासर गलत है। तो तमाम इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहें यूनिक न्यूज़ के साथ। मैं अतुल गुप्ता, धन्यवाद।